गणों का करता हूं आह्वान सभी से संघर्षों के क्षण का। मैंने संघर्ष के क्षण बहुत देखे पांडे जी के समय से कि स्वागत अभिनंदन वंदन है सभी पदाधिकारी गणों का करता हूं आह्वान सभी से संघर्षों के क्षण का करके परित्याग स्वार्थों का अविचल डगर बनेगी अपने संवर्गीय मित्रों पर प्रतिपल नजर रहेगी। सोचिएगा लक्ष्मण जी के वचनों को साकार तभी कर पाएंगे। लखनऊ है, लक्ष्मण जी के वचनों को साकार तभी कर पाएंगे, संकल्पों को आगे रख निर्माण सभी कर पाएंगे। कार्यों के संपादन में अनुभव स्थिरता होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः वा करुणा भी सब में हो। कार्यों के संपादन में अनुभव स्थिरता होगी सर्वे भवन्तु सुखिनः वा करुणा भी सब में होगी। निर्भय रहकर स्वास्थ्य भवन को डायरेक्टेड सबसे ज्यादा चाहे अधिष्ठान वो अपने चिकित्सालय का या डायरेक्टेड हो। हमारे कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो बहुत अनवरत संघर्ष करके और बड़े बड़े काम कराए हैं। मैं उनकी सराहना करना चाहता हूं उनकी मन से, और यहाँ वो बैठे भी बहुत बड़े बड़े काम कराए, इसमें दो राय नहीं कि ये काम नहीं हुआ वो बहुत बड़े बड़े काम हुए। तो उनके लिए है कि निर्भय रहकर स्वास्थ्य भवन को मार्गदर्शन देंगे। निर्भय रहकर डरने की जरूरत नहीं है, जहां संघर्ष हो संघर्ष करें। इसी इंजेक्शन रूम से हवाई चप्पल पहने हुए पांडे जी गए थे, मैं भी गया था उनके साथ, जल्दी चलो जल्दी इकट्ठा करो लोगों को। वहां गए तो वहां उनका संबोधन था कि आज डायरेक्टर और डीजी अगर गेट से निकले तो बाहर का बनी दोस्त आ मानी पांडे जी के साथ श्री साहब भी थे। तो वो है संघर्षों के, निर्भय रहकर स्वास्थ्य भवन को मार्गदर्शन देंगे, अच्छे कार्यों को गुणवत्ता के दर्शन सबको देंगे। निर्भय रहकर स्वास्थ्य भवन को मार्गदर्शन देंगे, अच्छे कार्यों गुणवत्ता के दर्शन सबको होंगे। अब आगे मैंने जो संगठन के लिए लिखा है वो भी सुन लीजिए कविता, बस मैं समाप्त करूं कि हमारा संगठन, संगठन की शक्ति में है शक्ति अपनी मानता हूं, संगठन की शक्ति में है शक्ति अपनी मानता हूं, कर्म की अविचल डगर पर मर्म को भी जानता हूं। मत्र को संघर्ष साथी राह के इन कंटकों में भेदना है लक्ष्य अपना निज निरंतर संगठनों में। मत्र को संघर्ष साथी राह के इन कंटकों में भेदना है लक्ष्य अपना निज निरंतर संगठनों में। राह की दुश्वारियों को हम कभी बाधा न समझे, लक्ष्य कितना ही कठिन हो हम उसे आधा न समझे, पर्वतों के रूप